मूसेवाला कतलकांड में शामिल शूटर प्रेरवत फौजी के भरा का एनकाउंटर कर दिया गया जी। हाँ, पानीपत के समालखा दे विच पुलिस के बदमाशों के विचाले मुठभेड़ जो है हुई है, तस्वीर देख पा रहे हो। जवाबी कार्रवाई के हालांकि प्रेरवत फौजी का भरा जो है उसनू ढेर कर दिया गया। सो काका का एनकाउंटर जो है वह किया गया, हालांकि उसका एक साथी से वह भी जख्मी इस पूरी घटना के होया, इस पूरी मुठभेड़ होया। पैर से गोली बजन के नाल दूजा बदमाश सोनू जाट, जो कि सोनू जाट दसया जा रहा, वह जख्मी होया। सो दोवें बदमाश कई वारदातों जो शामिल सन, कई अपराधिक मामलों के इन्हों का नाँ जो है वह शुमार से। सो अजिहे हूँ एक वड्डा एनकाउंटर इसनों मनिया जा रहा है। मूसेवाला कतलकांड शामिल शूटर प्रेरवत फौजी का यह भरा दसया जा रहा है काका, जिसका कि एनकाउंटर होया पानीपत के समालखा के पुलिस के बदमाशों के विचाले मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई भी की गई, तो जिस प्रेरवत फौजी का भरा ढेर होया जी। हाँ, पैर से गोली वजी, हालांकि एक शख्स दूजा बदमाश जो है सोनू जाट वह जख्मी दसया जा रहा। सो दोवें बदमाश कई वारदातों के शामिल सन, ये भी जानकारी मिली है। सो देर रात दी तस्वीर। जवाबी कार्रवाई के प्रेरवत फौजी का भरा ढेर कर दिता गया है, काका की मौत हो गई है। हालांकि गल की जाए जिस हिसाब के नाल एनकाउंटर होया, सिद्धू मूसेवाला कतलकांड प्रेरवत फौजी का नाम जो है वह पहला लिया जाता है, और अजिहे प्रेरवत फौजी के भरा का हुण एनकाउंटर जो है वह कर दिता गया। और मनिया यह जा रहा है कि पहला फायरिंग हुई, फिर उस तो बाद पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की, और पानीपत के समालखा के पूरी मुठभेड़ हुई, जिस तो बाद तस्वीर सामने आई ने। जवाबी कार्रवाई के काका का एनकाउंटर, हालांकि उसका एक होर साथी से जो कि जख्मी दसया जा रहा है। हुण होर खुलासे होने की भी संभावना है, क्योंकि ये जो दोवें ही बदमाश जो ने कई वारदातों के शामिल से। संजीत चौधरी मेरे सहयोगी हो जानकारी नाल जुड़ चुके हैं पानीपत, उन्होंने रुख करांगे जी। संजीत, मूसेवाला कतलकांड शामिल प्रेरवत फौजी के भरा दे एनकाउंटर बारे की कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं, क्योंकि एक साथी जख्मी दसया जा रहा है और लगता है कि होर अहम परतां जो ने इन्हां दे मामलों भी खुलन गया। देखिए, तुहानू मैं सच्ची गल दसां कि सुबह कल सवेर तो लगे थे, पुलिस पिछे लगी थी इन्हां दी, रोबिन नूं रिमांड ते लिता सी, पहले पकड़ा गया सी रोबिन, राका की गिरफ्तारी दे वास्ते पुलिस दबिश दे रही थी। कल कई थां ते उन्होंने दबिश दी, कल राती इन्हां नूं पकड़िया गया। इन्हां नूं पकड़िया गया, इन्हां दी गड्डी दा पीछा कीता, पीछा करन तों बाद इन्हां ने पुलिस ते फायरिंग शुरू की, फिर राका दी मौत हो गई उत्थे, दूजा जिहड़ा आरोपी है उहदा उह कायल हो गया, प्रवीण उर्फ सोनू है पानीपत दा ही, वह पानीपत तो फिर उन्होंने रोहतक रैफर करता था कर दिया था। बाकी एस पी जरा राजीत सिंह शेखावत है पूरी नजर बनाए हुए ने जी। बिल्कुल, की लगता है कि इस मौके समालखा दे विच पुलिस दे वल्लों सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, या माहौल जो है वह ठंडा पै गया है? संजीव, नहीं नहीं बिल्कुल जदों भी एस पी अजीत सिंह शेखावत आए ने, पूरे कानून व्यवस्था पूरे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने धमकियां दीतियां सी, इत्थों दे व्यापारी ने, क्योंकि शहर अपना उद्योगिक शहर हैगा, व्यापारियों ने धमकियां भी दीतियां ने, इत्थे भी करनाल भी ते कुरचित्तर भी, ते इन्होंने बड़ी धमकियां दीतियां जिस वास्ते परेशान से, लेकिन पुलिस इन्हों के मगर लगी हुई है सी। हुण इह फड़े गए ने ते इक ते राका ते राका की तो मौत हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने राका वास्ते यह भी कहा कि सिविल अस्पताल में उत्थे उन्होंने वीडियोग्राफी करा के उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन उन्होंने दूजे जोड़े घायल ने प्रवीण उर्फ सोनू उन्होंने रैफर करता, उन्होंने कोई निगरानी बनाए हुए ने। बिल्कुल, की लगता है कि संजीत जिस हिसाब न जो है जवाबी कार्रवाई की गई है, तो सोनू जाट जो जख्मी दसया जा रहा है उस तो हुण होर अहम खुलासे जो ने हो सकते हैं, क्योंकि दोवें बदमाशों का कई वारदातों के नाम जो है हुण तक सामने आ चुके हैं। देखो, अपने जो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रेरवत फौजी है, पहले वो सेना से है, पहले उन्होंने यह रिश्तेदार दसा जाता है जी, उस तो पूछताछ की जा रही है, लेकिन उन्होंने हमने पहले उन्होंने इलाज कराया जा रहा है उधर रोहतक पीजीआई उधर भेजे ने जी। प्रेरवत ते उहदे गुरगे जिहड़े शहर के व्यापारियों तो रंगदारी मंगते थे लगातार ही,
उन्हें भी मंगी थी इतों तहसील कैंप एरिया पैंता साडा पानीपत इतों भी रंगदारी मंगी थी रास्ता ने जी। शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी लिए। सो वाकई माहौल चिंताजनक जरूर बनया पर बाकायदा हुण जो है पुलिस प्रशासन दे वलों इस पूरे मामले ते गौर की जा रही है और इलाज जो है वो सोनू जाट का चल रहा है।